ये बना रहे हैं आज हम एग भुर्जी पाव, जो बहुत ही इजी है और इंस्टेंट बन जाती है। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बनने में बहुत कम टाइम लगाती है और टेस्ट तो ये बहुत अच्छी देती है। थोड़े से मस्टर्ड ऑयल के साथ मैं थोड़ा सा बटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि भुर्जी में बटर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा हम इसमें चॉप अनियन डाल देंगे। प्याज को गोल्डन होने तक हम सॉटे करेंगे। प्याज भुन गई है, इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली भी मिक्स कर दी है। हम इसमें ऐड करेंगे चॉप टमाटोज। टमाटोज ऐड करें हैं तो उनको सॉल्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट देंगे ताकि जल्दी पॉप हो जाए। टमाटोज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो है टर्मरिक और थोड़ी सी रेड चिली और कलर। और इसको हम थोड़ी देर चलाने के बाद बीज लगा के थोड़ी देर पकाएंगे। और इसमें हम चॉप कैप्सिकम और थोड़ी सी ग्रीन चिली, क्योंकि मेरी स्पाइस टॉलरेंस ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड और कम कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा देर और पकाएंगे ढक के। मुझे हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और इसको मैश करना शुरू करती हूँ। इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, जिससे इसमें टेस्ट और बढ़ जाएगा। भाजी बन रही है तो बटर ना डालें तो यार मज़ा ही नहीं आता। बटर मेल्ट हो गया अच्छे से, अब इसमें हम एग्स को डालते हैं। आप चाहो तो बीट करके भी डाल सकते हो। और इस स्टेज में इसको मैं थोड़ा ढक दूंगी। थोड़ी देर हम और पकाएंगे जिससे एग थोड़ा सा फोम हो जाएगा। भाजियों की हमारी रेडी और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, इसको मैं साइड में रखती हूँ और अब मैं पाव सेकती हूँ। और ये आ गया मेरा तवा, तो इसमें फटाफट से पाव सेक लेते हैं। ये आया बटर, ये है थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला। थोड़ा सा इसको चीज टाइम फ्लेवर दे देते हैं। भाजी को थोड़ा सा गर्म करते हैं बटर के साथ। डालते हैं चीज स्लाइस। चीज हो गई है मेल्ट, अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ।
तो आज बना दी है इसने भुर्जी पाव, एग भुर्जी पाव है ये। अब ये मैं टेस्ट करता हूँ। ये लिया मैंने पाव, इसमें ली एग भुर्जी, और क्योंकि इसने ये प्याज दिया है मैं इसमें थोड़ा सा डाल लेता हूँ। अब देखो अरे एक बात बताता हूँ तुमको, मैं इतना किस्मत का धनी हूँ कि मुझे ये सैनी मिली है। मैं हूँ खाने का शौकीन और यह है पकाने की शौकीन, तो मजा आ गया। ऐसा स्वाद है ना इसका, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। आप लोग ट्राई जरूर करना, और हाँ हमें सपोर्ट करते रहना और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आप खाते हैं।